हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब ब्लॉग गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राखी कलेक्शन मार्केट, लोकल एरिया मार्केट में जाके राखी का ब्यूटीफुल कलेक्शन जो होने वाला है। तो फाइनली हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ मैं अपनी मम्मी के साथ आई हुई थी। तो चलो देखते हैं क्या क्या कलेक्शन आया इस बार राखी का और क्या क्या सारा सामान है। मतलब इस वीडियो में आपको सब कुछ ही देखने को मिलेगा, कपड़े वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, राखियाँ वगैरह, सब कुछ। सो गाइस फाइनली आप यहाँ देख सकते हो कितनी सुंदर सुंदर और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल राखियाँ हैं। मतलब बहुत सारा कलेक्शन आया हुआ था इस बार राखियों का। सो आप देख सकते हो, मैं आपको एक एक करके सारा दिखाऊँगी। मतलब सही था यार, कॉस्टली भी थी। मतलब कुछ तो ये लोग पुरानी रखते हैं, बट बच्चों वाली राखियाँ थी जो कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी और ब्यूटीफुल थी। मतलब हर कलर में आपको मिल जाएगी। मैं यहाँ पे बहुत सारी राखियाँ एक्सप्लोर कर रही थी, तो हमने सोचा कि चलो देखते हैं यार क्या मतलब आने वाला रक्षाबंधन, जैसे बेटा पास आ चुका है। तो ये देखो, आप लड़कियों की भी राखी मिल जाएगी, इतनी सुंदर सुंदर कड़े वाली। देन यहाँ पे छोटे बच्चों के कपड़े लगाए हुए थे, वो भी सेल में मिल रहे थे यार, 100 रुपीज़ की। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ मम्मी यार देखने लगी कि क्या मिल रहा है क्या नहीं। देन आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम जाते हैं आगे और देखते हैं और भी नई चीज़ें। यहाँ पे देखो सारा ये इन लोगों ने थोक में लगा रखा था, मतलब ये सेल वाला आइटम है, मतलब 50 रुपये वगैरह। और फाइनली यार ये ज्वेलरीज आ गई हैं यहाँ पे, इतने प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ईयर रिंग्स है। ये सारे 100 रुपीज़ का कलेक्शन था, कुछ भी ले लो आप, चाहे फिर वो नेकलेस हो, हर एक नेक पीस, मतलब इतने सुंदर था ना। ईयर रिंग्स, पतले पतले नेकलेस, मतलब यार इतना चोकर, इतना मस्त सेट था ना 100 रुपीज़ में। मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था मेरे को कि 100 रुपीज़ में इतना सस्ता मिल रहा है यार यहाँ पे। मतलब और भी हमने देखे तो इससे तो काफ़ी ज़्यादा सही था। तो चलो मतलब आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। ये देखो सारी मेटल की ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, 120 के अंदर की जितनी भी है आप देख सकते हो। देन यहाँ हम आगे श्री कृष्ण जी की राखी देखने हैं, उनके लिए देखो छोटे छोटे जो। देन आगे बढ़ते हुए मम्मी क्या है, कितने का है वो सब कुछ, तो देखते हैं यार। हमने बहुत सारे चीज़ें आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। ये देखो छोटी बच्चों वाली राखियाँ जो मतलब खुंदने वाली होती ना वैसे। देन यहाँ पे काफ़ी सारे बैग्स मिल रहे थे और यहाँ पे इस मार्केट में आपको सब कुछ मिल जाएगा यार, टॉप वगैरह, जीन्स वगैरह, सब कुछ सेल में, सारा आइटम, लोवर, टी शर्ट वगैरह। ये देखो सारे जीन्स और टॉप का कलेक्शन, यही बहुत महंगे होंगे। मतलब ये प्राइस के अकॉर्डिंग होता है। वैसे तो ये सब ऊपर वाले 200 के थे और ये जो इधर टंग रहे हैं ये भी 200 के थे। मतलब यार कलेक्शन काफ़ी अच्छा था, आप जाओ और अच्छे से, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे सारे चीज़ें थी। तो आगे बढ़ते हैं यार, बहुत सारी राखियाँ लगाए रखी थी और मतलब सेल का भी सारा सामान था, कुर्ती वगैरह हो गई, प्लाजो वगैरह हो गया। मतलब इतना भी आगे मैं दिखाऊँगी आपको प्लाजो प्लाजो जो कि सिर्फ 250 के अंदर मिल रहे थे। मतलब हर साइज़ के आप कोई सा भी ले सकते हो, कुर्ती वगैरह के साथ वेयर करने के आराम से। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। मतलब यहाँ से वैसे हमने लिया कुछ नहीं था, बट मम्मी पूरा ब्लॉग ही शूट कर लेते हैं। देन यार भीड़ तो बहुत ही थी मार्केट में, बट मतलब सब अच्छा मिल रहा था यार, काफ़ी 150 रुपये में, मतलब सही है। जो हम क्या कहते हैं मीशो वगैरह से लेते हैं, वो आप लोकल एरिया मार्केट से लोगे तो काफ़ी सस्ता पड़ता है। देखो यहाँ पे ये बहुत सारी राखियाँ थी। ये देखो कुर्ती का कलेक्शन आ जाएगा सारा, फिर यह बैंगल कलेक्शन, बहुत ही प्यारे प्यारे बैंगल से। देन यहाँ पे फुटवेयर कलेक्शन आपको अकॉर्डिंग टू प्राइस मिल जाएगा, जिसमें आपको जैसा आप अफोर्ड कर सकते हो वैसा आप ले सकते हो। बार्गेनिंग भी कर सकते हो, इंटरनेट बार्गेनिंग कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, आपको उतने में मिल जाएंगे। ये कलेक्शन की मतलब इतनी प्यारी प्यारी बच्चे की ड्रेस थी, वो गरबा टाइप ड्रेस बहुत सारी थी इस बार मार्केट में यार। हमने सोचा था पीहू के लिए ले लेते हैं, बट पीहू यार पहनती नहीं है, उसको ये फ्रॉक वगैरह कम पसंद है। बट यार यहाँ पर हमने देखा तो सुंदर सुंदर कलेक्शन आया हुआ था, क्योंकि हमने अपनी मामी जी के बेटे के लिए लिए थे, काफ़ी सारी ड्रेस ली थी यहाँ से। तो ये देखो जितना भी सारा प्यारा प्यारा बच्चों का कलेक्शन है गाइस, मतलब कितने सुंदर सुंदर। देन यहाँ पे मम्मी और चीज़ एक्सप्लोर करने लगी, बोल रही थी आगे चल। देन ये देखो ईयर रिंग्स यार, बहुत मस्त कलेक्शन आया हुआ था ईयर रिंग का भी, ये सारे 150 इतने तक के ही हैं। और मतलब बहुत सारे प्यारे प्यारे आपको बैंगल्स, इनफैक्ट नेक पीसेस भी मिल जाएंगे। तो यहाँ
वहाँ पे आप देख सकते हो यार, मतलब एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ महंगा लग रहा है तो आप बार्गेनिंग कर सकते हो। ये देखो कितने प्यारे प्यारे ऊपर नेक पीसेस टंग रहे हैं, ये चोकर नेकलेस हर कलर में आपको मिल जाएंगे, ग्रीन हो गया, मतलब मल्टी कलर हो गया, प्यारे प्यारे 30 रुपीज की ये रही है यार, जितने भी आप कोई से भी ले सकते हो। देन यहाँ ये प्लास्टिक वाला स्टोर आ गया था, देन आप कोई भी घर का सामान ले सकते हो। और ये आज का इस शॉप पे तो प्यारे प्यारे जितने भी नीचे पड़े तो 60 की सेल में, तो ये सारे 250 की सेल में लगा रखे थे, और इतने प्यारे सॉफ्ट टॉयस थे कि आप यकीन ही नहीं कर सकते। देन यहाँ पे से हमने फुटवेयर खरीदा, अब हम फुटवेयर की शॉप पे आ गए थे। देन यहाँ से मैंने फुटवेयर देखे, मैंने उसको ट्राई भी किया था यार, बट मैंने एक बाय भी किया 350 के अंदर, ब्लैक कलर की। देन यार यहाँ से मैंने एक बैग खरीदा, ये वाला जो कि 200 का था, सुपर अफोर्डेबल प्राइस में आप कहीं भी कॉलेज वॉलेज के लिए आराम से इसको लेके जा सकते हो। देन ये सारे 200 की सेल में थे सारे बैग, कोई सा भी देख लो आप। देन यार वापस से हम यहाँ पे आए थे, एक आंटी ट्राई करी थी अपने बच्चे के लिए वाली ड्रेस, देन उन्होंने उसको पहना के भी दिखाया, तो मैंने वो चीज़ यार रिकॉर्ड कर ली, मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ, आंटी लोग तो मानती नहीं है। तो ये देखो ये फूल, ये अपनी बेटी को पहना रही थी कि मैं देखूँ तो सही, बट उसके बाद भी ना दिखाना है, इधर बाबू दिखाना, वो बस पहनाया फिर कहा नहीं सही नहीं लग रहा मेरे को, उसकी बाजू बड़ी है सही है, हल्की सी मतलब अच्छा लग रहा है यार, बच्चों को तैयार व्यार करो गरबा नाइट के लिए, कितना मस्त लगेगा। तो गाइस फिर यहाँ पे मम्मी आ गई थी पीने के लिए, थोड़ी सी टी शर्ट वगैरह देखने के लिए, मतलब 100 रुपीज में यार टी शर्ट मिल रही थी बच्चों की, इतनी प्यारा प्यारा कलेक्शन था, मतलब आपको छाटना है सिर्फ, इतनी मस्त मस्त प्यारी प्यारी कलेक्शन आई हुई थी। देन यहाँ पे हम आए पीने के लिए हेयर बैंड लेने, पर यहाँ पे मैंने क्लेक्चर यार जो बड़ा वाला क्लेक्चर आता है जो 50 या 100 रुपीज का था, ऑनलाइन ओनली ऑन 20 रुपीज में था इसमें, तो हमने एक दो तीन क्लेक्चर बाय किए और ये प्यारा सा 50 रुपीज का हेयर बैंड लिया। देन यहाँ पे अंकल ने काफ़ी सारे बैग लगा रखे थे, ये भी देखा, फिर उसके बाद हमने यहाँ से कुछ लिया नहीं, पर हम आगे बढ़ गए। देन